इस वक्त हम पंप पे मौजूद हैं और इस पंप पे आने की वजह यह है कि जितने भी लोग हम जहाँ से पूछते हैं कि पेट्रोल कहाँ से लेते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ का नाम देते हैं, बादामी बाग वाले। जितने भी लोगों से पूछा जाए वो कहते हैं कि ये वो पंप था। इसी तरह ही है जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। पिछली दफा भी ऐसे ही हुआ था, उन्होंने ओनर ही कह दिया था, आपके पास वो क्लिप है, उन्होंने कहा जी फलां जगह से हम पेट्रोल लेते हैं खुला। ये वो क्लिप हम आपको दिखाते हैं जी, लास्ट टाइम बात क्या हुई थी। ये किसकी इजाज़त से आपने लगाया? हमने पंप वाले की इजाज़त लगाया है, पंप वाले की है। पंप वालों की? हाँ। किस पंप का है ये? ये PSO पंप का है, बान पे पंप। PSO का? उन्होंने कोई रिटर्न आपको लिख के दिया कि आप लगा लें? लिख के दिया है। वो दिखाएं कहाँ है? ये तो दिखाते हैं। अच्छा, ये पंप वाले इजाज़त दे सकते हैं जी ये लगाने की? नहीं सर, कोई पंप को किसी को इजाज़त नहीं है, ये सर टोटल नॉन लीगल है, लाकानूनी है। कोई पंप वाले दे सकते हैं इजाजत के लगाने की? नहीं दे सकते सर, बिल्कुल नहीं दे सकते। पंप इजाजत दे सकते हैं पंप के पंप वाले लगा? ना कोई भी नहीं, किसी के भी किसी महकमे के किसी रूल में नहीं है कि इनको कोई NOC जारी करे। कहाँ से मंगवाया आपने ये PSO पंप का? PSO पंप कौन से वाला? ये जो है ना, नाम क्या? उसका नाम है शहबाज है। उसका नाम भी शहबाज? पंप का क्या नाम है? PSO। PSO शहबाज पेट्रोलियम कह रहे हो? शहबाज उसकी वो जो मियां इरशाद वाला है पंप, वो वाला वो यार, उसका 2 नंबर तेल सारी दुनिया जानती है, वो 2 नंबर तेल देता है। और ये अभी चल रहा था, बंद कैसे हो गया? जब यहाँ पहुंचे हम तो फौरन आदमी दौड़ के गया, उसने ये स्विच ऑफ कर दिया, इसे बंद कर। जनरेटर बंद आप ही होया, ऐसे नहीं किया, लोड डबल पे आया, जनरेटर नहीं चुप सकता। अच्छा, लोड अब जीरो पे आ गया, लोड आपकी मशीनें सारी बंद है, आप जनरेटर चला दें। एक जनरेटर चलाते हैं, एक न्यूजल एक वक्त पे चलेगी। हाँ, एक न्यूजल चला दें। हाँ बिल्कुल चलाते हैं, चलाएं चलाएं जी, नोजल चलाएं जाके अभी आपको पता चल जाता है। इधर इंस्पेक्शन कहाँ गए चौहान साहब, क्या क्या करवाएंगे अभी इंस्पेक्शन में, क्या करेंगे आप? अभी इसकी मैयर चेक कर लेंगे और अंदर इनकी चाबियां लेके ना सरकारी सील जो लगी होती है वो चेक कर लेंगे, 2 सीलें चेक कर लेंगे, अगर ये कम पाएगा सील नहीं होगी इसको सील कर दूंगा मैं। अभी अगर ये काम सेट हुआ तो पीछे से तो कहीं नहीं कर सकते, इधर से ही सेट करते हैं। इधर से ही होगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से होता है क्या होता है। वो गरारी सी जो लगी, वो गरारी सी जो है वो आपको दिखा। अच्छा, यानी कि अगर कुछ हुआ है तो इधर से ही हुआ है? इधर से ही हुआ है, अभी कोई नहीं मैकेनिज्म पीछे से। ना पीछे कोई मैकेनिज्म नहीं है इनके पास। वेट करें जी, अभी नोजल चलती है और आपको दिखाते हैं कि पैमाने जो है वो पूरे भरते हैं कि नहीं भरते। सूरत हाल ये है कि अभी तक जनरेटर नहीं चल सका इनका, पुलिस साथ मौजूद है, ये इनको बाउंड करेगी, अभी जनरेटर चलाएंगे ताकि इनका पैमाना चेक हो सके। अच्छा, ये क्या इस वक्त आप कर रहे हैं? पेट्रोल है, खाली कर रहे हैं, टैंक फुल हो गया है, उसके बाद दूसरे टैंक में गलती कर रहे हैं। ये तो किसी और कंपनी का है, आपकी कंपनी का नहीं है पेट्रोल? लाहौर में अभी चेक कर रहे हैं, स्कूल का उतर रहा है, हर कंपनी का उतर रहा है, हर पंप पे दूसरी कंपनी का उतर रहा है। लेट हुआ गया, नहीं आया, दूसरी कंपनी का ड्राइव है, इस वजह से। कहाँ है आपकी NOC, कहाँ है, कहाँ है अप्रूवल? सारे चेक कर लेंगे, पहले आप बताए। सारा चल रहे हैं, हमारा लाजम चेक करना है सर। अभी मेरे साथ चलो पे प्रसाद बाग सर। हाँ जी, उसके बाद वो भी चेक करेंगे, लेकिन आप बताएं। चलो मैं आपने अपने पंप का जवाब देना, दूसरे का देना। मेरे जवाब का, मेरे लेट हो ये सप्लाई मैं उतार रहा हूँ। मतलब आपके पास ये जवाब तो होना, एक मिनट, आपके पास ये जवाब होना चाहिए। हाँ जी, कि जी वो बुराई कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, हमारी सप्लाई लेट हुई है, कस्टमर खराब हो रहे थे, इस वजह से मंगवाया। इसकी NOC होती है कोई? इसकी NOC मालिकों के पास होती है, मेरे पास नहीं। क्या इसका हाल है जी? जनरेटर चलाएं फौरी। हाँ चलो, आओ जनरेटर चलाते हैं। जनरेटर चलवाते हैं जी, और ये जो मामला है इसे भी उठा रखते हैं कुछ फॉलोअप प्रोग्राम्स के लिए, कि इस मामले का क्या करना है। बड़े पैमाने पर आपके पास NOCs नहीं है और किसी और कंपनी से आप तेल उठा लेते हैं, इसको किस तरीके से मामला को टैकल किया जा सकता है ये भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर अभी देखते हैं कि इनका पैमाना पूरा है कि नहीं, और एक लीटर का पेट्रोल अगर ये देते हैं लोगों को तो वो लीटर होता भी है कि नहीं। बहुत लोग बड़े पैमाने पर हमसे कहते हैं कि ये पंप्स पे इस तरह के मसाइल चल रहे हैं, आप जितने पैसे पे करते हैं उस लिहाज से डालते नहीं हैं, बदध्यानती है ये बहुत बड़ी, और इसी को चेक करते हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके, नहीं जनरेटर चला खुदा खुदा करके, और बड़ी मुश्किल से पुलिस ने प्रेशर दे के ये जनरेटर चलवाया, जिसके बाद वो पैमाना भरेगा जो आपके सामने है। ये देखें, इस पैमाने को भरा जाएगा और इस पैमाने को भरने के बाद पता चलेगा कि लीटर में लीटर डालते हैं या कोई सूरत हाल खराबी का शिकार है। बड़े लेवल पर ये चीज़ें चेक होने की ज़रूरत है। क्या सूरत हाल है जी? क्या? हाँ जी, पूरा है जी, पूरा है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है जी, आपको नाप तोल में कमी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ देखेंगे आप? पार्टी नहीं, बाकी मशीनें भी चेक करा दे, एक करके चेक करा देना बाकी मशीनें भी चेक करें जी। ये पेट्रोल इनका वापस कर दें, इनको ये वापस लें जी, ये वापस ले लें हमसे।
और ये पैमाने से पेट्रोल जो वापस उंडेला जा रहा है जी, ताकि इनका एक रुपये का रत्ती बराबर भी नुकसान ना हो। बाकी मशीनें भी अभी चेक करेंगे और ये पैमाना चेक किया जाएगा कि सूरत हाल इनकी किस तरफ जाती है। लेकिन मामला जो है वो है कि किसी और को गैलन में पेट्रोल ना दिया जाए, सबसे बढ़कर ख़तरनाक वो चीज़ है कि लोग जो हैं ये इस तरह के मामला जो हैं बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात की वजह से भी इस्तेमाल होते हैं। बाकी मशीनें भी चेक होने लगी हैं जी, अब ये इस मशीन को चेक करने का सिलसिला जारी है। और लीटर का पैमाना क्या लीटर का रहता है नहीं रहता, इसका फैसला होगा कुछ देर बाद। पूरा है जी, ये पूरा है जी, पूरा है, पूरा है, पूरा ये देख सकते हैं जी आप। सतह से बराबर है जी। चौहान साहब देखें, चेक करें, ठीक है, एक्यूरेट है, ठीक है, ठीक है बिल्कुल। और क्या इंस्पेक्शन करेंगे आप? उसकी ना परली नोजल है, ये वाली नोजल है जो चल रही है, वो तो चेक करेंगे कम से कम। हाँ मैं वही करूँगा। ये भी चेक करेंगे आप नोजल? ये भी चेक करेंगे, ये नोजल भी चेक करवाएं यार, सारा पेट्रोल चेक करवाएं, ताकि जो मुतलका महकमे हैं हमारे साथ वो इनको क्लीन चिट दे सकें कि आप पेट्रोल बेचने में कोई मसला नहीं कर रहे। और खुला तेल ऐसा कैसे चला जाता है? खुला तेल तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि डीसी साहब के ये स्टिक काट रहे हैं, यानी कि दफ़ा 144 के तहत ये दे ही नहीं सकते ना। अब अगर पार्टियां कहती हैं ये देती हैं तो ये फिर इनका कसूर है ना, ये इनका कसूर है। कैसे बाउंड कैसे किया जा सकता है? मेरे कहने से बना लॉ एंड ऑर्डर की जो है अदारे वो इनके खिलाफ पर्चा दें, वो इनके खिलाफ पर्चा दें ना। अच्छा, आपकी तरफ से कोई उनको इंडिकेट किया जाएगा तो वो पर्चा देंगे। कारी साहब ये किस तरीके से आप बाउंड करेंगे? जितने भी लोगों से हमने पूछा वो कहते हैं कि पेट्रोल पंपों से हमें खुला तेल आता है और इसका इंडिकेट भी किया गया कि इधर से आता है। अब एक एविडेंस के तौर पर शहादत मौजूद है हमारे प्रोग्राम का क्लिप, लेकिन इससे बढ़कर आपके पास प्रूफ कोई नहीं, क्या फिर इसको कैसे करेंगे? ये तो ठीक है, लेकिन मैंने ये देखा कि यहाँ पर फायर सेफ्टी मेजर्स हैं वो इनके पास नहीं है, आग बुझाने के इंतजाम नहीं है। वो देखे आपने? जी देखे हैं। यहाँ पे कोई नहीं, कहाँ होने चाहिए? यहाँ पे होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है, पूरे एरिया में हर मशीन के साथ होनी चाहिए। ठीक है, आई चौहान साहब ये बड़ा अहम नुक्ता है। हाफिज अदनान कहाँ है? हाफिज अदनान इधर आए, हाफिज साहब को बुलाते हैं, आइए आप भी मेरे साथ आइए। कारी साहब यार आग उग लग जाए तो कैसे बुझाते हैं? वो सर सिलेंडर खड़े हैं, सिलेंडर खड़े हैं सर, कहाँ इंतजाम आपके पास नहीं है, काफी सारे हैं, सिलेंडर भी है, सिलेंडर कहाँ है? सिलेंडर कहाँ होना चाहिए वैसे, असली तौर पे कहाँ होना चाहिए? बिल्कुल मशीन के करीब होना चाहिए, जहाँ पे जो ये आग का हादसा हो सकता है, ताकि इजीली उसको जो है वो उठा सकें और इसे इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे किसी किस्म का इंतजाम नहीं है और अभी हम इसका चलान कर रहे हैं इस वजह से। हाँ अभी चलान कर, चलान में कोई सील सूल नहीं होता, सिर्फ चलान होता है। चलान करके हम कोर्ट में भेजेंगे, कोर्ट इसको जो है फाइन भी कर सकती है और इसके अलावा 6 माह की सजा भी, कैद भी कर सकती है। ये क्या है? ये तो मशीन चलती होगी, ये इसमें कुछ ही आग लगा के बताइए जी, कुछ चलती है ये? इसको बताओ कितनी कितनी होनी चाहिए इस तरह की मशीन है? इस तरह की सर हर जो इनका है ना स्टोरेज वहाँ पे एक बड़ी होनी चाहिए इसका, इस तरह की। तो पूरे पंप पे एक है रेत, बेटा क्या करनी है, आंखों में डालनी है? जी सर मेरा पुत्र आंखों में डालनी, रेत ज्यादा कवर करती है आपको। जी रेत जो है वो शेड्यूल में है। यहाँ क्या कह रहे हो? नहीं नहीं आप क्या करते हो यार, मुझे ऐसे ना करो आप, ये जो आपने करना है, ये आपने जो करना है उसकी बाहा, ये आप कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। अगर आप मुझे ये कह देना ये रेत उसलिए है तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन के पीछे कंस्ट्रक्शन होनी है, वो कंस्ट्रक्शन पीछे दिखाए कैमरा मैन साहब, कैमरा मैन साहब पीछे दिखाए, ये कंस्ट्रक्शन है। ये भी महीना पहले की सुटाई है, ये मौजूद है ना, ये भी मौजूद है ना इधर, ये ओपनर टूट जाएगी आवाज। अब देखें ये चलती नहीं है, ये फिल होनी चाहिए और यहाँ पे देखें कि आप जीरो पे, एक इसके जो नीडल है वो बिल्कुल वाइट पे आ चुकी है, जीरो पे आ गई। ठीक है जीरो पे नीडल दिखाएं इसकी, इसको घुमाएं जी जरा कैमरामैन साहब, अगर दिखा सकें तो ये नीडल इधर से दिखा सकेंगे, ये बेटा देखें ये नीडल जो है इसकी, अगर ये ग्रीन पे हो तो इट मींस कि ये ओके है, ये अब ये बिल्कुल ये वाइट आ चुकी है यहाँ पे, इसी तरह ये जी इसमें भी रेत डालेंगे आप, हैंडल को हर चीज पे रेत डालते जाओ मेरा बच्चा। अब क्या करेंगे जी आप? हम ये करेंगे कि हम
रूल 9 के तहत जो है सिविल डिफेंस स्पेशल पावर रूल 9 के तहत इसका चालान करेंगे और चालान करके जो हम कोर्ट में सबमिट करेंगे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है इसको जो है वो फाइन भी कर सकता ये है। पेट्रोल जो आप करवा रहे हैं इसकी लीकेज ये देखें, ये किसके अंडर आएगी जी? मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें क्लोज से, आइए उस तरफ चलते हैं जी, आप मेरे साथ आइए, आपको दिखाते हैं कि पेट्रोल आप शिफ्ट करें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पेट्रोल शिफ्टिंग का कोई हिसाब किताब कोई मैकेनिज्म होता है? चौहान साहब जरा आइए, ये आपको दिखाते हैं कि पेट्रोल आप शिफ्ट कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लेकिन इसके कुछ SOPs हैं, कुछ तकाजे हैं, उन तकाजों को हर लेवल पे पूरा होना चाहिए। आप ये देखें, ये लीकेज देखें, ये लीकेज, ये लीकेज देखें, ये थोड़ा घटा हमें हो गया है, ये जो है ना ये पेट्रोल यहाँ से लीक, लीकेज आप दिखा सकते हैं कैमरामैन साहब? थोड़ा क्लोज आए, लीकेज दिखाएं, ये किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, और लीकेज होने की वजह से नीचे जो सूरत हाल बनी है ये दिखाएं, ये आप दिखा सकते हैं जरा, अगर आप दिखा सकें कि ये किस तरह बेटा लीकेज बंद करनी चाहिए। ये होता है ना, लीकिंग होती है, वो तो सर ठीक है, ये बाप से काबू नहीं आएगी, आग लग गई तो कौन जिम्मेदार है बेटा? काबू आनी नहीं है, एक हमारा आदमी उधर खड़ा है, इधर कोई आदमी वगैरह नहीं आ रहा है, ये बहुत खतरनाक है और यहाँ पर लीकेज हो रही है, हल्की सी जो फ्रिक्शन है इसको लाइट मिले तो यहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है, पूरे का पूरा टैंकर भरा पड़ा है इधर और साथ ऑयल की लीकेज हो रही है, और ये भाईजान कहते हैं कि ये खैर है, और पहले तो भरा था ना, खाली लाया हुआ है, सिर्फ बस 10,000 लीटर, 10,000 लीटर बस के लिए, इधर लड़का हमारा खड़ा है, वो आगे वो बेचारा क्या करेगा, आर्मी काम पे भी ये काम हो रहा है, आर्मी क्या करेगा उसके खड़े होने से क्या नहीं सोने, फिर भी आपको इसकी एहतियात करनी चाहिए, ये आपको पता है लीकेज मसला करती है, लीकेज मसला करती है, अभी चलान बन रहा है जिनके लिए, चलान जो है ये फिल हो रहा है इसलिए कि यहाँ पर प्रॉपर जो है आग बुझाने के इंतजाम नहीं है, जो यहाँ पे डिवाइसेस चाहिए वो नहीं है, यहाँ पे जो हमें एक ट्राली मिली है वहाँ पर डीसीपी की ट्राली मोटर जो है वो भी जो है वो खाली है, और उसमें भी जो है कोई लिक्विड जो है पाउडर नहीं है, ठीक है जी, ठीक है, चौहान साहब पैमाने तो ठीक है इनके ना, इनके पैमाने ठीक है, तो जारी बात है हमने तो कुछ नहीं करना ना इनके खिलाफ, ठीक है, और इसके बाद जो है ना इनकी जो भी है नेगलिजेंसी ये जो हो रही है, ये पेट्रोल बाहर आ रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, स्मेल उसकी महसूस हो रही है, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसको तो जरूरत ही नहीं पड़ती कि यहाँ आइए, इसके बुखारात अगर उड़ के कहीं चले जाए, एक मिसाल देखो बंदा सिगरेट लगा रहा हो कुछ कर रहा होगा, एक सेकंड में हो जाएगा वो, इनकी ये लापरवाही है, इनकी नेगलिजेंसीज है। स्टोरेज है आपके पेट्रोल के, स्टोरेज कितने आपके पेट्रोल के, टैंक कितने? एक टैंक पेट्रोल का, एक डीजल का, दो स्टोरेज है, इस लिहाज से कितनी इनके पास होनी चाहिए आग बुझाने के लिए? बड़ी दो होनी चाहिए, ट्राली मोटर जो है ना ये दो होनी चाहिए इनके पास, हर जो एक भी खाली है, एक खाली है, जी जी खाली है, ठीक है चला के चेक करा देते हैं, इतनी बड़ी है, छोटे सिलेंडर, वो कह रहे हैं उनके महकमे के मुताबिक सिविल डिफेंस के मुताबिक आपके पास जितनी बड़ी स्टोरेज है इस पे दो बड़े बड़े आपके पास इस तरह की मशीनें होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन और वो भी वर्किंग हो, ठीक है, हर जगह रेत ही नहीं डालेंगे आप, इन मशीनों को भी काम करें, वो भी बड़ी भी है छोटी भी है, अच्छा रेत की ट्राली ओपन एयर स्टार देते हैं इस तरह ही रेत आग लगने की वजह से? नहीं, वैसे प्रॉपर ड्रमों में होती है, हवा से उड़ जाती होगी, बाल्टियों में भी बड़ी, वैसे आपको बड़ा नुकसान होता होगा, रोज आप ट्राली चलाते हैं रोज उड़ जाती होगी, बाल्टियों में भी बड़ी है, वैसे भी बड़ी है, चले ठीक है जी, इसकी एहतियात करनी चाहिए, सबसे बढ़कर ये रिसीव करते हैं इनको या रिसीव करने के आपके सामने और कोर्ट जो डेट हम देंगे उसमें, इसमें क्या पेनल्टी क्या हो सकती है सर? इसमें सजा जो है ये है कि जो जज साहब हैं जहाँ पे ये कोर्ट में पेश होंगे वो 6 माह की सजा के नाम बताइए जो 6 माह की सजा दे सकते हैं, 6 माह की सजा दे सकते हैं, वो जुर्माना आयद कर सकते हैं और दोनों सजाएं दे सकते हैं। अच्छा ये जवाबदीद है जज साहब की कि वो क्या जी, और वो सील भी कर सकते हैं, हर चीज सील भी कर सकते हैं, इसको जो यहाँ पर जो ओनर है उसे 6 माह की कैद भी हो सकती है। ये आप देख सकते हैं जी, अभी ये चलान फॉर्म जो है ये अभी इस इनकी इंतजामिया को मौसूल करवाया गया है, ये अदालत में जाएगा जहां ये अपना केस लड़ेंगे और उसकी सजाएं भी हैं, और इंसानी जान से ज़्यादा मुकदम कुछ नहीं है, इंसानी जान सबसे ज़्यादा कीमती है, इसकी हिफाजत करना सीखिए, इसकी हिफाजत कीजिए, और इसकी हिफाजत के लिए जितने भी जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनको चाहिए कि अपने SOPs के मुताबिक आपके पास आग बुझाने वाले आलात और बाकी सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, और इल्लीगल पेट्रोल की तरसील का सिलसिला जो है उसके खिलाफ
प्रोग्राम तमाशा का ऑपरेशन जारी रहेगा। फहद शहबाज खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगेबान।